गैंगवार के बहुचर्चित मामले में दोनों पक्षों के 11 अभियुक्त दोषी सिद्ध। एक पक्ष के अभियुक्तों को 6 वर्ष और दूसरे पक्ष को 7 वर्ष के कारावास की सजा। कांग्रेस और भाजपा नेता समेत सभी अभियुक्त भेजे गए जेल। करीब 10 वर्ष पूर्व रतलाम के दो ग्रुपों के बीच हुई खूनी संघर्ष के बहुचर्चित मामले में जिला न्यायालय ने कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे मयंक जाट और भाजपा पार्षद भगत सिंह भदौरिया समेत कुल 11 लोगों को दोष सिद्ध करार दिया है। इनमें से मयंक जाट के पक्ष के 7 अभियुक्तों को हत्या के प्रयास के आरोप में 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है, तो भगत सिंह भदौरिया के गुट के 4 लोगों को हत्या के प्रयास के आरोप में 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी 11 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। इनमें कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे मयंक जाट और भाजपा पार्षद भगत भदौरिया शामिल हैं। न्यायालय में विचाराधीन इस बहुचर्चित मामले में निर्णय महापौर चुनाव से पहले होने की संभावना थी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में उलझते अब जाकर इस मामले में फैसला आया है। इस बहुचर्चित प्रकरण में शनिवार को निर्णय होने की जानकारी के चलते न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। सुबह कोर्ट खुलते ही तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लक्ष्मण वर्मा ने सभी अभियुक्तों को मौखिक रूप से फैसला सुना दिया और उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। प्रकरण का विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध कराने की बात कही। Thank you.
रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।